नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार। आइए बात करते हैं, आज 14 मई 2020 गुरुवार हो चुका है, तो आइए जानते हैं देश दुनिया साथ ही बिहार की बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी यानी कि चीनी महामारी के बारे में। भारत में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 78,000 को पार कर चुकी है, जबकि 2500 से अधिक लोग इस महामारी के कारण दम तोड़ चुके हैं। बात करें उन लोगों की जिन्होंने इस महामारी को हरा दिया है, उनकी संख्या 26,235 हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 950 को पार कर चुकी है, जबकि 388 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं अगर इस महामारी से मृत्यु का आंकड़ा की बात करें तो बिहार में इसका आंकड़ा 7 तक पहुँच चुका है। तो चलिए चलते हैं अगली खबरों पर। एक खबर आ रही है कि अब 8 घंटे नहीं 12 घंटे की होगी ड्यूटी और बदलने जा रहा है श्रम कानून। दरअसल UPMP की तर्ज पर बिहार में भी श्रम कानून में बदलाव की तैयारी हो रही है। 50 से कम कामगार वाले कारखानों को नए नियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मौजूदा समय में 20 श्रमिक वाले कारखाने इसके दायरे से बाहर रहेंगे। नए कानून के मुताबिक लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने की 3 साल तक निरीक्षण नहीं करेंगे। इसके साथ ही कारखानों में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने की तैयारी है और 6 घंटे के बाद श्रमिकों को ब्रेक मिल सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। खबर आ रही कटिहार स्टेशन पर भोजन के पैकेट के लिए मची लूट, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दरअसल कोरोना संकट के इस दौर में दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार लौट रहे हैं। सरकार और रेल प्रशासन लोगों को सुविधाएं देने का दावा कर रही है, लेकिन कटिहार जंक्शन की एक तस्वीर यह दिखाती है कि हकीकत आखिर क्या है। बुधवार को 04:14 श्रमिक स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर पूर्णिया जा रही थी। इसी दौरान कटिहार जंक्शन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। यहाँ मजदूरों के लिए खाने के पैकेट और पानी का इंतजाम किया गया था। ट्रेन रुकते ही मजदूरों ने खाने के पैकेट लेने के लिए लूट मचा दी। स्थिति अफरा तफरी जैसी हो गई। हालांकि बाद में किसी तरह रेल प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस शायद कभी खत्म न हो, दुनिया इसके साथ जीना सीख ले। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी है, दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि HIV भी अब तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम उसके साथ जी रहे हैं। रियान का कहना था कि मैं इन दोनों बीमारियों को तुलना तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें हकीकत समझनी चाहिए। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोरोना महामारी कब जाएगा। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबरों पर। खबर आ रही है स्पेशल ट्रेन के संबंध में। जी हाँ, स्पेशल ट्रेन में बुकिंग के लिए मारामारी हो रही है और बिहार की ट्रेनों में 13% सीटें खाली ही जा रही है। आपको बता दें कि रेल सेवा के 12 मई से शुरू होते ही टिकट बुकिंग शुरू हो गई थी। 15 रूटों पर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के लिए अब तक 2,34,411 यात्रियों ने टिकटों की बुकिंग कराई है। इससे रेलवे को 45.30 करोड़ रुपये किराए के रूप में मिले हैं। यह जानकारी रेलवे ने गुरुवार को दी है। 13 मई को 20,149 यात्रियों ने स्पेशल ट्रेनों से यात्रा की थी और गुरुवार को 18 स्पेशल ट्रेनों में 25,737 यात्रियों की बुकिंग है। अभी तक स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग से रेलवे को 45,30,09,675 रुपये मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। खबर आ रही कि शराब मामले में फंसे बिहार के बक्सर के कांग्रेस विधायक और FIR के बाद लटकने लगी है गिरफ्तारी की तलवार। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच गाड़ी से शराब बरामदगी के मामले में कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये FIR बक्सर के सिमरी थाने में दर्ज हुई है। दरअसल बुधवार की शाम बक्सर के सिमरी इलाके के बक्सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी उर्फ संजय तिवारी की गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई थी, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। खबर आ रही है कि भगौरे शराब कारोबारी विजय माल्या ने सरकार से फिर लगाई है गुहार, पूरा कर्जा ले लो और केस बंद कर दो, ऐसा कहना है विजय माल्या का। आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल ब्रिटेन में रह रहे भारत के भगौरे शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर सरकार से सारा बकाया कर्ज लेने की गुहार लगाई है। माल्या ने गुरुवार को ट्वीट कर सरकार से गुहार लगाई कि वे 100% बकाया कर्ज चुकाने के प्रस्ताव को स्वीकार करें और उसके खिलाफ सभी केसों को बंद कर दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि विजय माल्या ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर बधाई भी दी है। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबरों पर। खबर आ रही है वित्त मंत्री आज 9 अहम घोषणाएं करेंगे। प्रवासी मजदूर, किसानों, स्ट्रीट वेंडर और छोटे व्यापारियों को राहत देने की संभावना है।
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप के दूसरे चरण की जानकारी दे रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि आज अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 अहम घोषणाएं की जाएंगी। पहले चरण में छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट, संगठित क्षेत्र के वर्कर और अन्य लोगों के लिए कई सारी घोषणाएं की गई थी। आपको बता दें कि मार्च के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 महीनों के लिए 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा की थी। वहीं मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि, महिला जन धन जमाकर्ताओं और आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवाओं, पेंशन भोगियों और अलग अलग विकलांगों को एकमुश्त भुगतान, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की थी। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबरों पर। खबर आ रही है कि श्रमिकों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मुंबई से श्रमिक एक्सप्रेस से उतरे प्रवासी श्रमिकों को कटिहार ले जा रही बस समस्तीपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें बस चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए।